भैया लुक दोनों चलो भैया दोनों फिर से दम बस हाँ जी हेलो अभिनव हेलो महिला कलाकार को भी बुला लीजिए ये बीच में आप आ जाइए जय श्री राम जय श्री राम आप ऐसा ना करें आप फोटो जय श्री राम शुभकामनाएं देता हूँ कि बड़े ही सशक्त होकर के और निर्भय होकर जैसे हनुमान जी संकट मोचन हैं और ऐसे ही निर्भय होकर के इस अवधी भाषा में इस फिल्म का निर्माण करें और इस प्रकार से करें कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वह दूसरे जो भी इस फिल्म को देखे उसको इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो और हनुमान जी के संबंध में जानकारी हो तो मैं सभी को शुभकामनाएँ शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि सभी दत्तचित होकर के निर्भय होकर के और इस फिल्म का निर्माण करें और आज ये प्रारंभ होता है ये सत्य है कि हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के हैं और अयोध्या में कोई भी कार्य जो प्रारंभ होता है वो कभी निष्फल नहीं होता इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी इसमें कोई संशय नहीं है मैं सभी को शुभ आशीर्वाद शुभकामनाएँ देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी जय श्री राम। अरविंद अकेला कल्लू जी आपकी बहुत सारी फिल्मों के मुहूर्त होते हैं बहुत बड़े सेलेब्स आते हैं बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं लेकिन एक संत के हाथों एक महात्मा के हाथों आज आपको आशीर्वाद मिला है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर आप सबसे पहले तो गुरु जी को सादर प्रणाम करते हुए आज मेरा सौभाग्य है मैं अपने आप को पहले भी इंटरव्यू में बोला हूँ कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे भाग्य में संकट मोचन हनुमान जैसी फिल्म मेरे भाग्य में आई और आज संकट मोचन हनुमान का मुहूर्त के दिन गुरु जी का आशीर्वाद मिला गुरु जी के आशीर्वाद से इस फिल्म की शुरुआत हुई जब शुरुआत ही गुरु जी के हाथों से हुई है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा हमारी फिल्म और हमारे पूरी टीम पर बनी रहेगी और जो जोश से हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस पवित्र नगरी अयोध्या में आए हुए हैं हम लोग फिल्म को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके और फिल्म आप सबके बीच जब भी रिलीज होगी तो आप सब लोग को जितने लोगों को इंतज़ार है कि संकट मोचन हनुमान कैसे फिल्म है जब आप लोग सिनेमा हॉल्स में ट्रेलर फर्स्ट लुक देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं हनुमान जी के ऊपर भी एक इतनी सुंदर और एक इतनी धार्मिक और सांस्कृतिक फिल्म बन सकती अरविंद जी दो फिल्मों का मुहूर्त किया गया है संकट मोचन हनुमान के बारे में आपने बताया लव यात्री जो दूसरी फिल्म है एक और फिल्म है जिसको बैक टू बैक शूट किया जाएगा उसके बारे में बताइए लव यात्री जैसा कि आप टाइटल ही देख रहे हैं कि लव यात्री तो लव में कैसा कैसा यात्रा होता है वो आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगा और कुछ प्राइवेसी होती है कि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से कि स्टोरी उसको ओपन नहीं करना है बाकी की जो भी इस दोनों फिल्म से जुड़ी हमारी बातें होंगी डॉक्टर चंदन उपाध्याय जी बैठे हैं ये आपको विस्तार रूप से लेकिन अयोध्या धार्मिक नगरी मानी जाती है तो ऐसे में लव यात्री करके फिल्म अगर यहाँ से लॉन्च किए जाने की बात कहाँ तक मतलब कैसे सही मानते हैं आप देखिए जरूरी नहीं कि लव यात्री जो फिल्म टाइटल है तो उसमें लव उस तरीके से प्यार जो होता है बहुत ही शुद्ध रूप से सारे लोग करते हैं ऐसा नहीं है कि आजकल का जो प्यार है हो सकता है इसमें प्यार एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा कि अयोध्या में अगर ये शूट हो रही है तो आपको ही मालूम है कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम सभी के छवि पे हम सभी जितने भी यहाँ पे जुटे हैं लोग चाहे आप लोग जुटे हैं आप लोगों को ठेस पहुँचे ये फिल्म शुद्ध रूप से पारिवारिक होगी आप कहीं भी इसे देख सकते हैं पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं हम लोग कोई भी ऐसा सीन शूट नहीं करेंगे ताकि आगे हम लोग आए तो आप लोग जैसे मीडिया वाले जुटे हैं आप लोग का भी उन्हें इसको उठाए लेकिन ये फिल्म की शूटिंग कहाँ पे होगी देखिए भोजपुरी अवधि की बात नहीं है बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग है ना नहीं अलग अलग ये जो हमारे बगल में डायरेक्टर बैठे हैं डायरेक्टर इसी के लिए होता है जब एक मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा सबसे पहली फिल्म आवारा बलम हमने किया था चंदन उपाध्याय जी के साथ फुली एक्शन मूवी थी तो मैं खुद बोला कि भैया हमसे एक्शन नहीं हो पाएगा लेकिन उन्होंने एक ही बात बोला कि मेहनत अगर कोई भी इंसान करेगा
तो मेहनत के आगे सब कुछ मुमकिन है। इन्होंने मेहनत कराया और आवारा पलंग बहुत ही अच्छी फिल्म शूट हुई और दर्शकों का प्यार मिला। ये जो दोनों लैंग्वेज हैं इसके ऊपर रिसर्च हुई है, हम लोगों ने काम किया फिल्म के पहले 3-4 महीने से इस स्टोरी पे काम हो रही है, लैंग्वेज पे काम हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों ही भाषा नहीं, हमको लगता है कि बहुत सारे लैंग्वेज में भी इसको हम हिंदी में भी शूट करेंगे। मल्टी लैंग्वेज की ये फिल्म है और बहुत भव्य तरीके से शूट होगी और अवधी और भोजपुरी का जो मेल है आप सभी को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। शूटिंग वगैरह कहाँ है? शूटिंग यहीं पे अयोध्या में होगी और अयोध्या के मेल। अवधी और भोजपुरी दोनों भाषाएं मिक्सअप है या फिर प्योर अवधी? संकट मोचन हनुमान है वो प्योर अवधी है। रीज़न ये है कि कहानी अयोध्या की है तो अयोध्या की जो भाषा बोली जाती है वही भाषा के हम सुनने आ रहे हैं। इसके अलावे हम इसको ऑलरेडी हिंदी में, तमिल में, तेलुगू में, बंगाली में ऑलरेडी 12-15 लैंग्वेजेस में हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं रिलीज करें, तो उस कैनवास पे हम शूट कर रहे हैं। चंदन जी, प्रभु श्री राम के बाद जो हनुमान जी के राजा जो बनाए जाने की बात कर रहे हैं गुरु जी, उनके अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे कांड हैं। आपकी फिल्म किस कांड पर आधारित है? हनुमान जी के किस उस रूप को आप अवतरित कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं? देखिए, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं और सब लोगों ने पढ़ी भी। ये बेसिकली जो है वो श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े सेवक, सबसे बड़े सेवक रहे हैं, वो सबको पता है। तो राम मंदिर जो बनना था, उस राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया में इनविजिबल रूप से हनुमान जी की क्या भूमिका रही है, वो हम फिल्म के दृष्टिकोण में आने वाले हैं। अयोध्या ऐसा विषय है चंदन जी कि कई बार मेकर्स इस विषय पर फिल्म बनाने से कतराते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो इसका विरोध करते हैं, फिल्म फेटर्निटी में भी अलग अलग किस्म की बातें आती हैं, क्या ये सब आप झेलने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने पहले भी फिल्में बनाई हैं जिसका नाम था प्रयागराज, वहाँ के ऋषि मुनि को लेकर मैंने एक फिल्म बनाई थी। अभी मैंने हर हर गंगे बनाई है क्लीन गंगा के ऊपर में, तो मैं तो इस टाइप की फिल्में बनाता हूँ और कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती। रीज़न ये है कि मैं अपने कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए फिल्में बनाता हूँ कि मेरी कल्चर जो धूमिल होती जा रही है या धीरे धीरे लोग उसको भूलते जा रहे हैं, वो लोग वापस याद करें कि हम कौन से कल्चर से हैं, हमारा कल्चर कितना बड़ा है और उस कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं, हम उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं। चंदन जी, अरविंद अकेला कल्लू ही हीरो क्यों? देखिए, हर सब्जेक्ट का एक फेस होता है, जब हम लोग कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट लिखने के बाद एक फेस नज़र आता है कि ये कंटेंट में ये फेस दिखेगा मुझे, तो वो विजुअल जब हमने लिखना शुरू किया था तो मुझे लगा इसमें अरविंद अकेला कल्लू बहुत अच्छे लगेंगे, तो इस वजह से हमने इनसे बात किया और इनको कंसेप्ट कंटेंट मैंने सुनाया तो इन्होंने बोला कि भैया बहुत अच्छा लग रहा है, हम करेंगे। So, हम लोग करने के लिए रेडी हूँ। कितनी फिल्में आप लोग एक साथ कर चुके हैं, ये एक्टर डायरेक्टर की जो जोड़ी है? ये 6 तो मैंने बैक टू बैक फिल्में करी थी, उसके बाद अभी हर हर दिन किया, उसमें स्पेशल अपीयरेंस था उनका, ये 8वीं फिल्म हमारी होगी, 8वीं और 9वीं दो फिल्म। नहीं बिल्कुल प्रेम 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 सबके जीवन में होता है, ऐसा नहीं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेम दिखा सकते हैं, प्रेम बड़े भाई छोटे भाई का है, जैसा कि इन्होंने बताया कि 7 फिल्में और ये आनंद जी जो है इतना बार बार बोल दिया कि अरविंद अकेला कल्लू है क्योंकि इन्होंने 2 फिल्म के लिए मेरे से गैप ले लिया लेकिन प्रेम बाप बेटे का भी होता है, प्रेम माँ बेटे का भी होता है, तो लव यात्री जो है इस पर आप लोग जो बार बार चर्चा कर रहे हैं, प्रेम में क्या क्या होता है, प्रेम के लिए आज आप भी देख रहे हैं कि प्रेम के लिए लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं, प्रेम में एक हद तक गुजर जाते हैं, तो ये इसमें दिखाया जाता है, एक जीवन का हिस्सा है जो हमारे रियल जीवन में हो सकता है कि ये रियल लाइफ की भी कहानी हो सकती है, तो इसमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाएगी और मुझे उम्मीद है कि कुछ हट के, क्योंकि भोजपुरी पर हमेशा ऐसा उंगली उठते आ रहा है कि आप लोग एक ही जैसा कॉन्टेंट बनाते हैं, तो जैसा कि इन्होंने हर हर गंगे बनाया, प्रयागराज मेरे साथ बनाया था, तो संकट मोचन हनुमान बनाने का हम लोग का ही उद्देश्य है कि नहीं, हमारे भोजपुरी या अवधी में या हिंदी में ऐसे ऐसे कंटेंट है, जो ऐसे ऐसे कहानियां हैं जो हम दर्शकों को दिखा सकते हैं और दर्शकों में एक अच्छी भोजपुरी को लेकर अवधी को लेकर छवि बना सकते हैं कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री में भी एक से बढ़ के एक कंटेंट है। जैसे आज साउथ की आप लोग बात करते हैं, साउथ में अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, तो अब भोजपुरी और अवधी की बारी आ गई है कि हम लोग भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने साथ दिया इतने बड़े प्रोजेक्ट एक साथ करने का, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे दोनों प्रोड्यूसर जो आजू बाजू बैठे हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा रिस्क
आज के जो दौर में हमको लेकर और चंदन उपाध्याय जी को लेकर किए। थैंक यू। एक चूँकि महाराज जी को जाना है तो हम एक बार मैप करने पर शुरू करते हैं जी।